पौने सात। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक हो? खैरियत से? दोस्तों ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है। सुबह के 6:30 बज गए, बेगम ने जूते मार के उठा दिए मेरे साथ मॉर्निंग वॉक पर चले। सुबह के 6:30 बजे मैं इंशाल्लाह बात लेके 10 मिनट बाद फिर इंशाल्लाह हाजिर होता हूँ। अच्छा तो दोस्तों अभी जा रहा हूँ मॉर्निंग वॉक पे, ये दस्ताने वगैरह सब पहन लिए हैं, ये देखिए, और अपर भी पहन लिए है, शूज भी पहन लिए हैं, तो बस मॉर्निंग वॉक पे चलते हैं। की तरफ जा रहे हैं, टाइम हो गया है सुबह के 6:45 बज रहे हैं, बाहर निकलते हैं। वेडरा बोले यार पूरा मंजर है, सन्नाटा है, कोई भी नहीं है गलियों में, सुबह का प्यारा मौसम। आप भी एंजॉय करें, देखते रहें सुबह वॉक पर। बस वॉक शुरू हो गई है, अब सुबह 6:45 बजे का टाइम हो गया है, आसपास सन्नाटा। ये देखें सुबह का मंजर, ये खूबसूरत बादल और ठंडी हवाएं, सूरज भी दुहाई मांगे, ऐसी सर्दी है कि सूरज भी। अब इंशाल्लाह वॉक कंप्लीट करके फिर घर जाके एक अच्छा सा नाश्ता मारते हैं, फिर आप भी हमारे साथ रहिएगा, देखते रहिएगा। ये देखें गाड़ियां वगैरह अपनी आमदर रफ, सब्जी वाले सब जाते जा रहे हैं, आमदर रफ सब शुरू हो गई है, सब्जियों वाले फ्रूटों वाले जो अपनी रोजी रोजगार पे सुबह 6:45 बजे का टाइम है और निकलना शुरू हो गए। ठंड की मैं बता नहीं सकता, ठंड बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। ठंड की वजह से नाक से सांस भी कम आ रहा है और मेरा आई थिंक मेरा फेस भी आप लोगों को सही तरह नज़र नहीं आ रहा होगा, बहुत ज़्यादा ठंड है, बहुत ज़्यादा। तो प्लीज़ जो सुबह के टाइम जाने वाले हैं वो अपनी एहतियात करें, नाक और कान को लाजमी ढक के जाएं, बच्चे स्कूल जो जाते हैं वो भी अपना बहुत सारा एहतियात करें। और सब मैं वापसी आ गया हूँ, फ्रेश होता हूँ, थक गया हूँ, फ्रेश होता हूँ, फिर उसके बाद की वीडियो आपसे। दोस्तों मॉर्निंग वॉक के बाद आँख ही नहीं खुली, सो गया, दोपहर के 2 बज रहे हैं, अब भूख लग गई है। बेगम ने बहुत ही अच्छा खाना बनाया है, छुट्टी का दिन है तो आपको खाना भी दिखाता हूँ, और व्लॉग शूट करना याद ही नहीं रहा, आँख ही खुल गई, बहुत ही सो गया था, थक गया था सुबह मॉर्निंग वॉक के बाद, तो मैं फ्रेश हो गया। रीब का नहाना आज बचा दी, हाय 2 हफ्ते बाद नानगा, हाय वॉशरूम च कितनी ठंड है, या अल्लाह खैर करी। चलो अब चलते हैं खाने की तरफ, तो देखें खाना कैसा बना है, लेट्स गो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब देखते हैं इसमें है क्या। बेगम ने बोला सरप्राइज खाना है आपके लिए, चलो चेक करते हैं। एक मिनट भाई बात सुनना, उम्र सारी। वाह बिरयानी, थोड़ा जे म्यूजिक नु दे दे ओ पंजाबी टच, नचना बड़ना नचना बड़ना। बिरयानी बनाई है आज बेगम ने, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। इस तरफ जर्दा भी है। और कबाब भी है, जबरदस्त, आज तो अच्छा खाने को मिलेगा, छुट्टी का दिन है, चलो ये अच्छा हो गया। फ्रेश होके आ गया हूँ, अब खाना आने वाला है, इंतज़ार नहीं हो रहा, अब जल्दी से आ जाए अल्लाह करे, ताकि खाना खाएं, फिर आप लोगों के भी मुंह में पानी आ जाएगा। इतना अच्छा बेगम की तरफ से खाना, मैं सोच भी नहीं सकता था कि इतनी छुट्टी का दिन अच्छा गुजरेगा, वाह। अमेजिंग अमेजिंग बेगम, क्या ही बात है आपकी, उफ अल्लाह, बेगम ने तो आज उंगली। ये
मैंने चटा दी। डॉक्टर साहब क्या कहने हैं आपके, मेरे पास तो तारीफ के लफ्ज ही नहीं है। छुट्टी का दिन इतना अच्छा गुजरेगा, कबाब बिरयानी जरदा, शुक्र है मैं सोया रहा। और ये मेरा फर्स्ट व्लॉग था, आपको व्लॉग कैसा लगे अपनी कीमती राय से ज़रूर इजहार कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा मेरे फर्स्ट व्लॉग के बारे में। आइडियाज़ बाय अदील, अल्लाह हाफिज़। क्योंकि मुझे सब्र नहीं हो रहा, मैं खाने के बगैर नहीं रह सक रहा, इतनी शदीद भूख लगी है। सुबह मॉर्निंग वॉक भी बेगम ने करवा दी और नाश्ता भी नहीं किया और सो गया था। अब चलते हैं खाने की तरफ। अल्लाह हाफिज़।